जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको हरियाली तीज की एक व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कथा भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए सुनाई गई थी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारे द्वारा बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक गिरिराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए तुमने घोर तपस्या की थी। तुमने अन्नजल त्याग दिया था तथा खाने के रूप में पेड़ के सूखे पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता यह देखकर बहुत दुखी हुए। देव ऋषि नारद जी तुम्हारे घर पर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के कहने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करना चाहते हैं, कृपया अपनी राय बताएं। पर्वतराज यह समाचार सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो गए और तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने के लिए तैयार हो गए। और फिर नारद जी ने यह शुभ समाचार विष्णु जी को सुना दिया। और जब तुम्हें यह पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विपक्षता का कारण जानना चाहा। फिर तुमने उसे बताया कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण कर लिया है, किंतु मेरे पिताजी ने मेरा विवाह विष्णु जी से कराने का निश्चय किया है, जिस कारण मैं धर्म संकट में पड़ गई हूँ। अब मैं क्या करूँ? मेरे पास अपने प्राण त्याग देने के अतिरिक्त कोई भी उपाय शेष नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण त्यागने का कारण ही क्या है, संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया है, जीवन भर उसी से निर्वाह करे, क्योंकि सच्ची आस्था एवं एक निष्ठा के समक्ष भगवान को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें एक घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जहाँ साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए। उस जंगल में तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। तुमने फिर अपनी सखी की बात मान ली और तुम घनघोर जंगल में चली गई। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बहुत चिंतित हुए। वह सोचने लगे कि मैं उसका विवाह विष्णु जी के साथ करने का प्रण ले चुका हूँ। यदि विष्णु जी बारात लेकर आए और उन्हें पता चला कि वह कन्या घर पर नहीं है, तो बड़ा अपमान होगा और मैं तो कहीं भी मुँह दिखाने योग्य नहीं रहूँगा। यह सब सोचकर पर्वतराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी, लेकिन तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया और रात भर मेरी स्तुति गाकर जागती रही। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा और मेरी समाधि टूट गई और मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट हुआ और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वरदान मांगने को कहा। अपनी तपस्या के फल स्वरूप मुझे समक्ष पाकर तुमने कहा कि मैंने आपको हृदय से अपना पति के रूप में वरण कर लिया है। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ आए हैं, तो आप भी मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। और मैं तथास्तु कहकर कैलाश की ओर लौट चला। सुबह होते ही तुमने पूजा की सभी सामग्री को नदी के जल में प्रवाहित कर दिया और सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय पर्वतराज अपने मित्र बंधुओं के साथ तुम्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे और तुमसे इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण पूछा। तुम्हारी यह दशा देखकर गिरिराज बहुत दुखी हुए और उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे। तुमने उनके आंसुओं को पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन के अधिकांश समय को कठोर तपस्या में बिताया है और मेरी यह तपस्या का उद्देश्य यह है कि मैं शिवजी को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी और आज मेरी यह तपस्या पूर्ण हो चुकी है, क्योंकि आप विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय पहले ही ले चुके थे। इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली गई। अब मैं यहाँ से आपके साथ एक ही शर्त पर चलूँगी, यदि आप मेरे विवाह विष्णु जी से ना करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज ने पार्वती की बात मान ली और अपने साथ घर ले गए। और कुछ समय पश्चात
शास्त्र विधि विधान पूर्वक द्वारा हमारा विवाह हो गया। तो ये थी हरियाली तीज की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।